गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज की ये जो पोएम है चाइल्डहुड, ये 11th क्लास की पोएम है, ओके। और ये एनसीईआरटी बुक में से ली गई, एनसीईआरटी की बुक में है, ये जो न्यू सिलेबस है उसमें से ली गई है ये पोएम। तो आज उस बुक में से हम ये पोएम कराएंगे, ओके। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, ओके स्टूडेंट। और दिस पोएम इज रिटन बाय मार्कस नेटन, ओके। ये पोएम जो लिखी गई है वो मार्कस नेटन के द्वारा लिखी गई है, मार्कस नेटन के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। और पोएम का नाम क्या है? चाइल्डहुड। पोएम का नाम क्या है? चाइल्डहुड, जिसे हिंदी में बचपन कहते हैं। तो चाइल्डहुड इंट्रोडक्शन टू द पोएम, कि कविता में जो बचपन का जो परिचय दिया गया है वो किस प्रकार से दिया गया है। और चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन, और ये जो पोएम है, कविता है, किसके द्वारा लिखी गई है? मार्कस नेटन के द्वारा ये पोएम, कविता लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, कि जो कवि है वह सोचता है कि अपने विचारों को किस प्रकार से उसने लॉस्ट चाइल्डहुड, अपना जो बचपन है, ठीक है, उसका जो अपना बचपन है, उसने अपने बचपन को कैसे समाप्त कर दिया, कैसे अपने बचपन को उसने खो दिया था, उसके बारे में वह सोचता है। ही वंडर्स अबाउट द मोमेंट वेयर ही लॉस्ट द इनोसेंस एंड रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज नॉट व्हाट ही सीम इट टू बी। और ही वंडर्स अबाउट द मोमेंट, वह उन पलों के बारे में, अद्भुत जो पल होते हैं उसके बचपन के, उनके बारे में वह सोचता है, ओके। जो उसके बचपन के जो पल होते हैं, ओके, तो उनके बारे में वह सोचता है कि किस प्रकार से उसके बचपन के, छोटे बचपन के जो बचपन में था, किस प्रकार से वह स्कूल जाता था और किस प्रकार से खेलता था और किस प्रकार से उसे फ्रीडम मिली हुई थी, तो उसके बारे में वह सब कुछ सोचता है। और एक मासूमियत झलकती है, इनोसेंट, एक छोटा सा बच्चा होता है और उसमें इनोसेंट दिखाई देती है उस बच्चे में। वेयर ही लॉस्ट द इनोसेंस, और जैसे कि जहाँ उसने अब अपनी मासूमियत है उसको खो दिया, एंड रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज नॉट व्हाट ही सीम्ड इट टू बी, और उसने महसूस किया, उस कवि ने महसूस किया, अब जो अल्डर हो गया, बड़ा हो गया वह, ओके, तो उसने अब महसूस किया कि जो दुनिया है, जो उसने महसूस किया कि दुनिया यह नहीं है जो उसे प्रतीत हो रही है, कि एक षड्यंत्र की दुनिया है ये, और जो दुनिया वह देख रहा है अब प्रेजेंट टाइम में, वह यह दुनिया नहीं है, उसे वह क्या है, व्हाट ही सीम्ड इट टू बी, वह उसके बारे में जो सोच रहा है, वह उस दुनिया के बारे में जो प्रतीत कर रहा है, वह ऐसी दुनिया नहीं है, वह अच्छी दुनिया नहीं है। ही रिकॉल्स व्हेन ही थॉट्स चेंज, और अपने बदलते हुए विचारों को जब वह दोहराता है, रिकॉल्स मीन्स दोहराना, हिज थॉट्स चेंज, बदलते हुए विचारों को जब वह अपने बदलते हुए विचारों को जब वह दोहराता है कवि, तो एंड और ही रियलाइज द हाइपोक्रेसी ऑफ द पीपल अराउंड हिम, और वह महसूस करता है कि उसके चारों ओर जो लोग हैं, उसके चारों ओर के जो पाखंडी जो लोग हैं, वो उन लोगों को महसूस करता है इस पोएम के द्वारा, इस पोएम के थ्रू जो उसके चारों ओर जो पाखंडी जो लोग हैं उनको वह महसूस करता है कि किस प्रकार से ये दुनिया अब पाखंड में भर गई है, अब इस दुनिया में किस प्रकार से पाखंडी लोग रह रहे हैं। ही फाइनली सेटल डाउन टू द आइडिया, और विचार के अंत में वह चल बसते हैं, दैट कि हिज चाइल्डहुड वेंट टू
सम फॉरगॉटन प्लेस, और उसके जो बचपन के भूले बिसरे स्थान, कुछ भूले बिसरे स्थानों पर वह चला गया। ओके, अपने बचपन के कुछ भूले बिसरे स्थानों पर वह चला गया। एंड इज हिडन इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट, और एक वह छुप गया। किस प्रकार से छुप गया कि एक इनोसेंट इन्फेंट, एक मासूम बच्चे, जो मासूम शिशु होता है, उसके चेहरे में वह छिप गया। तो इस प्रकार से ये पोएम के बारे में है, कविता के बारे में है, किस प्रकार से वह अपने बचपन के दिनों को, अच्छे बचपन के दिनों को याद करता है, और आज के दिन के अकॉर्डिंग वह जब दुनिया को देखता है और सोचता है कि अपने चारों ओर जितने भी उसके लोग होते हैं वो किस प्रकार से पाखंडी लोग होते हैं। यहाँ पर ये जो हाइपोक्रेसी है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट पाखंडी लोग। ओके, पाखंड, पाखंड भरे, उसके चारों ओर जो पाखंड भरे लोग हैं, पाखंडी जो लोग हैं, उनको वह महसूस करता है। ओके, तो इस पोएम में ये है स्टूडेंट, इस पोएम का जो इंट्रोडक्शन है वो इस प्रकार से है, और अब हम इसका स्टेंजा करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पोएम के बारे में पढ़ा था। ओके स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम किया था हमने, और अब स्टार्ट करते हैं स्टेंजा। ओके, तो लेट गेट स्टार्टेड। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मींस होता है स्टूडेंट बचपन। ओके, क्या होता है? बचपन। और व्हेन मींस कब, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। ओके, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। व्हाट डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा जो बचपन है वह कब गया। जो पोएट है, जो कवि है, वह कहना चाहता है इस पोएम में कि उसको पता भी नहीं चला कि उसका बचपन कब चला गया। ओके, तो द पोएट वांट टू से इन दिस पोएम कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बचपन कब चला गया। नेक्स्ट, वाज इट द डे, क्या यह वही दिन था, क्या यह दिन था, आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 साल का हो गया था, 11 साल का, 11 वर्ष का हो गया था। सीज मीन्स हो गया। ओके, सीज मीन्स हो गया। वाज इट द टाइम, क्या यह समय था, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट हेल एंड हेवन, और हेल एंड हेवन को, हेवन मीन्स स्वर्ग और हेल मीन्स नरक, कि मैंने हेल एंड हेवन को महसूस किया था। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि मैंने जो मेरी ज्योग्राफी की जो बुक थी उसमें मैंने ये नहीं पाया था कि हेल एंड हेवन जो मैंने महसूस किया था वो मेरी ज्योग्राफी की किताब में नहीं था। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट, एंड देयर फोर कुड नॉट बी, और वह इसलिए हो भी नहीं सकता था क्योंकि ये सब चीज़ें उनके बड़ों ने बताई थी। ओके, तो वाज देयर द डे, वह क्या वह दिन था, क्या वह दिन था। ओके, जो उन्होंने बातें बताई थी। ओके, जो उनके बड़े थे, जो बुजुर्ग थे, और जो दुनियादारी के अंदर चारों ओर जो हाइपोक्रेसी पीपल जो दिखाई दे रहे थे, पाखंड जो लोग दिखाई दे रहे थे उसके चारों तरफ, कि ज्योग्राफी में ऐसा कुछ भी नहीं था, भूगोल में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसकी किताब में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने हेल एंड हेवन महसूस किया था। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेंजा, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा जो बचपन है, मेरा बचपन कब चला गया, मेरा बचपन कब चला गया। फिर नेक्स्ट, वाज इट द टाइम, यह वही समय था, आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल,
दे सीम टू बी, और मैंने महसूस किया कि जो बड़े थे, जो वयस्क थे, वे सभी नहीं थे, जो वे सभी वयस्क नहीं थे, मतलब कि वे सभी बड़े नहीं थे। ओके, अडल्ट मीन्स वयस्क, वयस्क कि वे सभी बड़े नहीं थे, जैसा वे प्रतीत हो रहे थे, जैसा वे दिखाई दे रहे थे, जैसा वे लग रहे थे। ओके, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, प्रतीत होना। दे टॉक टू लव, उन्होंने जो उनके चारों ओर जो पाखंड लोग थे, ओके, जो अडल्ट्स थे, उन्होंने क्या बताया? दे टॉक टू लव, वे प्रेम के बारे में बताया करते थे। एंड प्रीच्ड मीन्स उपदेश देना, एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और प्रेम के बारे में वे उपदेश देते थे, अपने विचार प्रकट करते थे। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन उन्होंने अत्यधिक प्रेम पर कार्य नहीं किया था कि उन्होंने, लेकिन उन्होंने बातें तो बहुत की, ठीक है, उन्होंने प्रेम के बारे में बताया और प्रेम के बारे में उपदेश भी दिए, लेकिन अत्यधिक प्रेम के लिए उन्होंने कार्य नहीं किए थे। ओके, बट डिड नॉट एक्ट, एक्ट मीन्स कार्य, सो लविंगली, और अत्यधिक प्रेम के लिए उन्होंने कार्य नहीं किए थे कि आपस में जो भी भाईचारा है वो बना रहे। ओके, तो इस प्रकार से ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। वाज देयर द डे, क्या वह दिन था। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब ये दो स्टेंजा कंप्लीट हुए इस पोएम के, अब दो स्टेंजा हो रहे हैं स्टूडेंट, वो हम अभी कंप्लीट करते हैं उनको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमने दो स्टेंजा कंप्लीट किए थे स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेंजा हमारा, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। ओके, वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन, कि टू यूज विच एवर वे आई चूज, कि यह वह था जब मैंने अपने दिमाग को वास्तव में मेरा पाया था। ओके, कि मैंने फाउंड मीन्स पाया, व्हेन जब आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन, कि जब मैंने पाया कि मेरा दिमाग वास्तव में मेरा था। टू यूज विच एवर वे आई चूज, और मैं जो भी रास्ता चुनूं उसका सही तरीके से उपयोग कर सकूं। आई चूज, चुनना, वे मीन्स रास्ता, विच एवर, जो भी, टू यूज, उपयोग करना। ओके, मैं जो भी रास्ता चुनूं उसका सही तरीके से उपयोग कर सकूं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, विचार उत्पन्न किए, देट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माई अलोन। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, विचार उत्पन्न किए, देट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, लेकिन अन्य लोगों के ये विचार नहीं थे। जो विचार उत्पन्न किए थे वे उन लोगों के विचार नहीं थे। ओके स्टूडेंट, कि बट माई ओन एंड माई अलोन, वे केवल मेरे अपने, अकेले के, मेरे अपने के विचार थे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, कि प्रोड्यूसिंग थॉट्स देट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, कि जो भी विचार उत्पन्न किए थे वे उन लोगों के, जो अन्य लोग थे उनके वे विचार बिल्कुल भी नहीं थे। वे केवल मेरे अपने, मेरे अकेले के विचार थे। फिर वाज देयर द डे, क्या यह दिन था, क्या वह दिन था। फिर वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा जो बचपन है वह कहाँ चला गया। जो पोएट है, कवि है, वह कहता है कि इन दिस पोएम, कि मेरा जो बचपन है वह कहाँ चला गया। वेयर मीन्स कहाँ,
मेरा बचपन कहाँ चला गया, तो इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि कुछ भूले हुए भूले भटके स्थानों पर वह चला गया है। फॉरगॉटन प्लेस मीन्स भूले बिसरे स्थानों पर वह चला गया है, कुछ भूले बिसरे स्थानों पर वह चला गया। कौन? उसका बचपन, माई चाइल्डहुड। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और जो एक शिशु, जो एक छोटा सा शिशु होता है, से जो बच्चा होता है शिशु अवस्था में, उसके फेस में वह छिप गया है। दैट्स ऑल आई नो, बस मैं इतना ही जानता हूँ। ओके, कहता क्या है कवि कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है। कवि कहता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है, आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि कुछ भूले बिसरे स्थानों पर वह चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और एक शिशु के चेहरे में वह छुप गया, जो कि वह एक शिशु के चेहरे में छुप गया है। फिर दैट्स ऑल आई नो, बस मैं इतना ही जानता हूँ। तो ये जो पोएम है स्टूडेंट, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? मार्कस नेटन के द्वारा ये पोएम लिखी गई है, 11th क्लास की पोएम है। पोएम का क्या नाम है? चाइल्डहुड, बचपन। ओके, तो ये पोएम स्टूडेंट्स कंप्लीट हुई। इस पोएम में जो भी, अगर आपको कुछ भी वर्ड मीनिंग में डिफ़िकल्टी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, और इस पोएम को आप रीड कीजिए बार बार, अगेन एंड अगेन रीड कीजिए इस पोएम को। विच एवर मीन्स होता है जो भी, ओके, कोई भी या जो भी, वे मीन्स रास्ता। ओके स्टूडेंट, तो प्रोड्यूसिंग मीन्स होता है उत्पन्न करना, थॉट मीन्स विचार। ओके, तो कोई भी अगर डाउट लगता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये पोएम कंप्लीट हुई, चाइल्डहुड जो पोएम है वो कंप्लीट होती है स्टूडेंट। ओके, तो टेक केयर, बाय फॉर नाउ।